नमस्कार किसान और बागवान भाइयों, आज हम आपको जानकारी देंगे एक कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र के बारे में। हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया है तीन फर्टिलाइज़रों का, जिसमें कि पहला फर्टिलाइज़र है एक कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र है जिसका नाम है एग्रीमीला, जिसमें नाइट्रोजन सुपरफॉस्फेट और पोटाश है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम है, क्लोराइड है और सल्फर है, और एक मल्टी माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र है, प्लस एक सीवीड एक्सट्रैक्टर जो कि वूस्टर का काम करेगा। अगर आप इन तीनों का उपयोग करते हैं तो आप अपने बगीचों में, अपने बागानों में प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, जिसमें कि करीब आपको 20-40% का इजाफा होगा। इसके अलावा आप इसी फर्टिलाइज़र को सब्जियों में भी उपयोग कर सकते हैं, जिसमें ये तीनों ही फर्टिलाइज़र एक साथ डालने पड़ेंगे। तो अब मैं आपको बताऊँगा इन तीनों प्रोडक्ट के कंटेंट्स के बारे में। एग्रीमीला जो प्रोडक्ट है, ये कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र है, जिसमें कि नाइट्रोजन 12% है और सुपरफॉस्फेट 11% है और पोटाशियम 18% है, और इसके अलावा इसके में कुछ माइक्रोन्यूट्रेंट भी हैं। मैग्नीशियम इसमें बाय वेट 1% है और सल्फर भी इसमें 7.5% है और क्लोराइड इसमें 1% है। ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र है जो कि प्राइमरी न्यूट्रिएंट को सॉइल में अवेलेबल कराता है। इसके अलावा हमारे साथ जो माइक्रो न्यूट्रिएंट की जो ज़रूरत होती है उसको पूरा करने के लिए हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट है, जिसका नाम है एग्री वूस्टर। ये एक मल्टी माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर ऑफ फर्टिलाइज़र है और इसके कंटेंट कुछ इस तरह से हैं। इसमें जिंक 5% है और कॉपर 0.5% है, मैगनीज 2% है, आयरन 2% है, बोरन 1.5% है, मॉलीविनम 0.1% है और मैग्नीशियम 1% है, और कैल्शियम मेंशन किया है 0%। और जो हमारा थर्ड फर्टिलाइज़र है, एक सीवीड एक्सट्रैक्ट है जिसका ब्रांड नेम बायोजाइम है। इसका 48 केजी का ड्रम आता है और ये जो डोज बता रहे हैं, इसकी डोज है 48-96 केजी पर हेक्टेयर डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज। और फ्रूट में हम इसमें पर प्लांट, अडल्ट प्लांट के लिए हम इसकी डोज करवाते हैं करीब 500 ग्राम से लेके 1 केजी तक, और ये हेल्प करता है एनहांस सॉइल फर्टिलिटी और रूट डेवलपमेंट करता है, रेजिस्टेंस करता है प्लांट में तैयार, और न्यूट्रिएंट का अपटेक को बहुत बढ़ा देता है। और अब हम बताएंगे आपको एग्री बूस्टर की डोज पर एक अडल्ट प्लांट के लिए, एप्पल के लिए या पलम या नाशपाती के लिए, इसकी डोज रहेगी 400 से 500 ग्राम पर अडल्ट प्लांट। और जो हमारा थर्ड फर्टिलाइज़र है, इसकी डोज रहेगी 500 ग्राम से 1 किलो पर एक पेड़ के लिए, डल पेड़ के लिए। अगर आप इन तीनों फर्टिलाइज़र का उपयोग किसी सब्जियों में करना चाहते हैं तो अगर इनकी बीघा के हिसाब से इनकी डोज रहेगी, एग्रीमीला 25 किलो पर बीघा, एग्री बूस्टर 15 किलो पर बीघा और बायोजैम 50 किलो पर बीघा। इन तीनों फर्टिलाइज़रों की एप्लीकेशन आपने ऑर्चर्ड में करनी है करीब 20 फरवरी के बाद, क्योंकि अगर आप इन फर्टिलाइज़रों की एप्लीकेशन अगर सॉइल में जल्दी कर देते हैं तो इनका सॉइल में लिंचिंग हो जाएगी, मतलब ये इनका असर घट जाएगा और ये बह जाएंगी बरसात या पानी के साथ। इसलिए आप इन्हें ऑर्चर्ड में जितना हो सके 20 फरवरी या मार्च के महीने में ही डालें। अगर इन फर्टिलाइज़रों का उपयोग आप सब्जियों में करना चाहते हैं या किसी भी जो सब्जियां या फल फ्रूट और इसके अलावा कोई ऐसी जो सब्जियां जो 12 महीने चलती रहती हैं अपने यहाँ पे, तो इस पे निंदाई में पहली, दूसरी और तीसरी निंदाई में डाल सकते हैं, जिसकी डोज मैं आपको बता रहा हूँ जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। और आप चाहें तो इन फर्टिलाइज़रों का उपयोग सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं आपकी ज़रूरत के हिसाब से, लेकिन आप अगर आपको एक्सीलेंट रिज़ल्ट चाहिए, बहुत अच्छे रिज़ल्ट चाहिए, तो आप इन तीनों फर्टिलाइज़रों का उपयोग इकट्ठे कर सकते हैं।